आई हो भाभी? आखिर आज वो दिन आ ही गया जब दिव्या के हाथों में सिद्धार्थ के नाम की मेहंदी रचेगी। वैसे लोग सच ही कहते हैं ना, जोड़ी उन्हीं की बनती है जिन्हें ऊपर वाला एक दूसरे के लिए चुनता है। अरे क्या हो रहा है, तुम लोगों की तैयारी नहीं हुई पूरी अभी तक? नहीं माँ, सारी तैयारियां हो गई हैं, बस हम निकलने ही वाले हैं। अब भी निकलने के लिए तैयार हैं दादी माँ। तो मिस वेडिंग प्लानर चले? तुम कहाँ जा रहे हो? ये रस्म सिर्फ औरतों की होती है, बेकार में जब देखो वहां जाने के बहाने ढूंढते रहते हो। दादी माँ बहाना नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन। अगर दूल्हे का भाई कुंवारा या अकेला होता है तो उसके दुकेले होने के चांसेस भाई के ससुराल में कुछ ज्यादा हो जाते हैं। वीरेन, तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं ना, तुम्हारे लिए कैसी लड़की चाहिए ये मैंने पहले से ही सोच रखा है। वो स्मार्ट होगी, ब्यूटीफुल होगी, स्टाइलिश होगी और बड़े शहर से हो। मामा मामा मामा, आपका क्राइटेरिया सुन के लगता है कि आपको मेरी जिम्मेदारी मुझ पे ही छोड़ देनी चाहिए। मुझे लड़की खूबसूरत चाहिए लेकिन चेहरे से नहीं, दिल से। लड़की स्टाइलिश ना हो तो चलेगा लेकिन समझदार होनी चाहिए, और जरूरी नहीं कि वो बड़े शहर से हो। छोटे शहर जैसे कि मसूरी, नैनीताल या शिमला के भी हो सकती है। क्यों सिद्धार्थ? मैं वो रसोई में थाल रह गया है, अभी आई। मेहंदी अब तैयार हो गई है, इसे और गीली करने की जरूरत नहीं है, और जो थाल मैंने सजा के रखी है ना हॉल में उसमें आप जाकर रख दीजिए। मैं जानती हूँ निधि की तुझ पर क्या बीत रही है। अपने बेटे के नाम की जो मेहंदी मैं तेरे हाथों पर रचाना चाहती थी उसे आज मैं खुद किसी और के लिए ले जा रही हूँ। ये मेरी मर्जी नहीं है बेटा, मजबूरी है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। भाभी वक्त हो गया है, हमें चलना चाहिए ना। हाँ निवी, तू रहने दे बेटा, मैं और किसी से कह देती हूँ। अरे भाभी ये कौन सा मुश्किल काम है, मेहंदी तो ले जानी है, ये ले जाएगी। लेकिन जरा संभल के, शगुन की मेहंदी है, सिद्धार्थ की दुल्हन के लिए। देखना कहीं छलक ना जाए। अरे आप लोग तैयार नहीं हुए अभी तक? ताई जी आपको दादी माँ बुला रही हैं। फिरे तुम सचमुच हमारे साथ चलने वाले हो? वहां सब हंसी उड़ाएंगे तुम्हारी। माँ अब रिश्ता तो हो चुका है ना, अगर वो लोग हंस भी लेते हैं तो फर्क क्या पड़ता है। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? अरे आइए जी, नमस्ते नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है। आइए। अरे अरे ये क्या करने जा रही हो वंदना? तुम रिश्ते बदल चुके हैं हमारे,
समधन बनने जा रही हो तुम हमारे घर की, और समधन से पैर नहीं छुआते, गले मिला जाता है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी अम्मा जी। लेकिन दादी माँ, मैं तो आपके पांव छू सकता हूं ना? दादी माँ, मुझे आप आशीर्वाद नहीं देंगी कि मेरी जो भी मुराद हो वो पूरी हो जाए? जीते रहो बेटा। आओ जी आओ, अंदर बैठो, आइए। बैठने का वक्त हमारे पास नहीं है हिमलता, हमें बाकी भी तैयारियां करनी है, इसलिए आप तो बस मेहंदी की रस्म शुरू करवा दीजिए। सबसे पहले मेहंदी दुल्हन के हाथ में लगेगी और उसके बाद बाकी सब। हाँ जी हाँ जी, बस शुरू करते हैं। दिव्या भी आती होगी। हेलो, आ भी गई। आइए आइए भाभी जी, आइए अपने हाथों से मेहंदी लगा के शगुन की रस्म शुरू कीजिए। आइए। बेटा शगुन की मेहंदी लग गई है, तू भी लगाना शुरू कर दे, और अच्छा वाला डिजाइन लगाना, वो महीन वाला। हाँ आजा आजा। एक मिनट, मेरे हाथों में मेहंदी निवी लगाएगी। कि पूरे शिमला में निवी से ज्यादा अच्छी मेहंदी और कोई नहीं लगा सकता है। मेहंदी? हाँ आना। अपनी बहन के हाथों में मेहंदी तो लगा रही हो, तो इसमें सिद्धार्थ का नाम जरूर लिखते ना। तुम्हें पता है ना, दुल्हन की हाथ की मेहंदी में उसके जीवन साथी का नाम लिखा जाता है। मैंने वंदा चाची के रूम में रखे हैं, बस थोड़ा सा काम बाकी है ना, उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी। आप देख लेना कि कोई खिड़की खुली ना रह जाए, मुझे लगता है बहुत जोर का तूफान आने वाला है। के हाथों में रंग भरने वाली के खुद के हाथ सुने, किसी को इसका ख्याल क्यों नहीं आया? तुम्हारे इन सुने हाथों में मैं रंग भरना चाहता हूं, उसी मेहंदी के शगुन से जो तुम दूसरों के हाथों में भरती।
चंचल खिड़की बंद करो, दिखता नहीं है क्या कितना तेज तूफान आने वाला है। खिड़की बंद करने से बाहर के तूफान को तो हम अंदर आने से रोक लेंगे जवाहर, लेकिन उस तूफान का क्या करेंगे जो खुद अपने ही घर में उठने वाला है। सिद्धार्थ के बाद हमारा अपना बेटा उस निवेदिता के जाल में फंसता चला जा रहा है। पता नहीं ऐसा क्या है उस निवेदिता में कि वीरेन भी सिद्धार्थ की शादी के बाद वीरेन को यहां से वापस भेजना पड़ेगा जवाहर, वरना ऐसा ना हो कि कहीं जिस केशव की बेटी को हमने इस घर की बहू बनने से रोका, हमारा अपना बेटा उसे बहू बनाकर यहां ले आए। जवाहर तुम सुन भी नहीं रहे हो मैं तब से क्या कह चले आ रही हूं। इससे पहले कि बात हमारे हाथ से निकल जाए तुम्हें वीरेन से बात करनी है, उसे समझाना होगा कि वो निवेदिता से दूर रहे, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा जवाहर। खत्म तो तब होगा ना चंचल जब खत्म होने को कुछ बचेगा। मुझे तो अभी से सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हो जवाहर? बाबू जी की हालत बहुत तेजी से ठीक हो रही है, वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं भाभी से भी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? हाँ, वो तो मैं इन वक्त पे वहां पहुंच गया, वरना अभी तक तो किस्मत ने हमारा साथ दिया, लेकिन अगर बाबूजी ठीक हो गए ना और उन्होंने सबको हमारे बारे में बता दिया तो पता नहीं हमारा क्या होगा। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।